भाई बरेठी वाला बरेठी सीधा सूप मंगवाया है। मैं सूप पिया वेल करते तो आज मैं चलाऊंगा पल्सर 125। अभी भाई का तो हाँ जी इंट्रोडक्शन तो खास है हमारे अभी हेलमेट के साथ कैमरा कर देते हैं फिट और स्कूटी में थोड़ा सा पेट्रोल कम है इसको डलवाएंगे आगे। और सामने से बिल्ली ने रास्ता गाइस काट दिया है। ये देखो वो है बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो अभी जो है स्कूल से छुट्टी हुई है ना, छुट्टी का टाइम है तो रास्ता इतना क्लियर नहीं है, पर जहाँ पे क्लियर मिलेगा रास्ता वहाँ पे भगाऊंगा इस बाइक को। 125 सीसी पल्सर। तो ठीक ठाक भाग रही है यार। साइड में गाइस ये देखो रास्ता टूटा फूटा है साइड से, एकदम से बाहर निकालेंगे गिर भी सकते हैं अगर आगे से ट्रक वगैरह आ गया तो, एकदम से साइड निकालनी पड़ गई बाइक तो दिक्कत हो जाएगी। अगर बंदा स्पीड में होगा तो दिक्कत होगी, अगर आराम से चला होगा तब तो फिर निकाल पाएगा आराम से। स्पीड में तो हानि होती है बंदे को। और आगे आगे विनोद भाई और राजू स्कूटी लेके जा रहे हैं। राजू भाई कर रहे हैं राइड और विनोद भाई मजा ले रहे हैं उस राइड का पीछे आराम से बैठ करके। और गाइस यहाँ पर आप देखो ना, इधर भी पहाड़ है इधर भी इस साइड भी, और यहाँ पर कुछ ठंड है क्यों भाई? हाँ जी भाई बिल्कुल बिल्कुल यहाँ ठंडी ठंडी है कुछ। और निहारी यहाँ से है 6 किलोमीटर। वैसे एक दो बार मैं इस रोड से गया हूँ और रास्ते में आ रहे पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पाइप ऊप टूटी होगी यहाँ पर, यहाँ जैसे आ रहा है पानी यहाँ से पाइप टूटी होनी यहाँ से। भाई बहुत जान लग रही है यार बाइक की। ये तीसरा गियर है नहीं आई, तीसरा था भाई, तीसरा गियर था इसमें, तीसरा 5 गियर होते हैं ना इसमें, एक न्यूट्रल है। और डलवाना है ब्रो पाना कितनी जाना किधी जाना फिर उसके बाद हमने कहाँ जाना आई ना वापस फिर ही बात सुन क्या बस इतना सा था ब्लॉग ये है एकदम तेल डलवा के आ जा फिर करते फिर जाना ना जरा भाई चार बंदे के यहां जरूर भुगना तेल भाई मैं जाता हूं फिर लेके आ जा। तो गाइस हम एक अच्छा इस रास्ते से जाना हमने जो नीचे हुआ ठीक है उधर जाना है भाई तो जल्दी चलो जय श्री राम। अभी गाइस मैं अपनी स्कूटी चला रहा हूँ ना तो मेरे को अपनी स्कूटी बिल्कुल ऐसी लग रही है हल्की हल्की। अच्छा यहाँ पे है गाइस
यहाँ पे है, यहाँ पे डलवाते हैं फ्यूल। नहीं भाई गूगल नहीं, सो गाइस पेट्रोल हमने भरवा लिया है और ये हमारा वेट कर रहे हैं। देखो आ गए हम लोग, ठीक है। हाँ डलवा दिया भाई। भाई एक बात है, वैसे आपकी बाइक चला रहा हूँ तो बिल्कुल मतलब जब रेस दे रहा हूँ ना बिल्कुल भारी भारी है, और मैं स्कूटी बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ है ना बाइक दौड़ती है तेरे को क्या पता कैसे दौड़ती है। मेंटेनेंस करो इसकी, मेंटेनेंस करो, सब कुछ है कोई ओके नहीं का, ठीक है इसको लगाओ भाई, लगना चाहिए को मारे थोड़ी भी भैंस घुमोई आप पूरे स्मूथ निकाल दा भाई, स्मूथ नहीं है बट क्या करना चाहिए भाई, सब स्मूथ है दिखे लगे ना बैठने, स्मूथ है भाई स्मूथ है। कहां अब कहां को जाएंगे, नीचे चला नीचे बैठो सर, पेड़ की छाया। पर यार एक बात है सर, ओ यार बस आ गई, बस की कटाई जो है बहुत भयंकर होने वाली है। ये देखो कैमरे में इतना ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता कि मोड़ कितना है, अभी बस मुड़ी ना तो आपको लग गया होना पता कि कितना था, और ये भी ऐसा ही मोड़ है। ये देखो यहाँ से हमने बनी कितने दूर जाना है ऐसा मेरे को कोई आइडिया नहीं है, और विनोद भाई पता नहीं कहाँ पहुँचे होने भाई, यार फोन करना था यार, वो के चले आगे, दिख गए गाइस दिख गए हमें, मेरे को ये समझ नहीं आ रही भाई की राजू भाई ने क्यों स्कूटर इतनी तेज तेज भगाई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आराम से चलो यार क्योंकि रास्ता थोड़ा तंग तंग है। अब देखो आगे से वो आ गई गाड़ी आ गई भाई, और भाई यहाँ का कुछ मौसम ऐसा है कि ठंड ठंड है यार, ये पेड़ बहुत है ना ठंड है यहाँ पर। और ये छोटे पहाड़ है ना उनकी ठंडक महसूस हो रही है गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं और ये मंदिर का गेट है सोहनी देवी जी, यहाँ पर हम पहुंच गए हैं। बाइक को लगा देंगे यहाँ पर फिर मंदिर की पौड़ियाँ चढ़ते हैं। तो ये हमसे पहले पहुंच चुके हैं। तो गाइस ये देखो मंदिर माता सोहनी देवी जी का। तो गाइस पहले हम प्रसाद ले लेते हैं फिर चलते हैं मंदिर में। और गाइस आपको यहाँ पर एक ही दुकान मिलेगी प्रसाद के लिए, अच्छा काफी हैं पर जो खुली रहती हैं वो एक ही है, जो हमने देखी वो एक ही है, वैसे तो हैं दुकानें तो हैं पर जो अभी खुली है वो एक ही है। और यहाँ से माता सोहनी देवी जी मंदिर शुरू होता है, मंदिर की पौड़ियाँ। हाँ जी डाल दो चुन्नी डाल दो। तो अभी भाई मेरे पीछे बैठे थे, अभी भाई कुछ बोल रहे हैं कि मेरे आप लोग जो है चप्पल से जा रहे ऊपर, पीछे खोलो उतर पीछे आओ, खोलते हैं ऊपर ठीक है जी, आप खुलते नहीं है खोलते हैं गाइस, खोलते पकड़ो पकड़ो प्रसाद पकड़ो प्रसाद।
तो विनोद भाई बोल रहे हैं कि मैं सीडी अकाउंट करते चलूंगा, बट इन्होंने की नहीं, शुरू से करनी थी भाई, अभी क्या ऐसे बन गए गाइस मूड। देखो मंदिर में जाने के हमारे 936 बहाने हैं, जहाँ पर जब बुलावा आता है तभी हम चले आते हैं। बुलावा आता है और हम चले आते हैं, क्योंकि जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ हम जाते ही जाते हैं। जैसे हम कहीं हमारा कोई मूड नहीं होता है, जैसे हम कहीं घूमने गए, हमें लग गया पता कि यहाँ पे कोई मंदिर है तो जाएंगे भाई, क्योंकि पाप बहुत किए हुए ना तो मंदिर जाना पड़ेगा। पाप बहुत किए हुए हैं भाई ने। यहाँ से थोड़ी सी पौड़ियाँ ऊपर को, जस्ट लाइक कबाब, पहले यहाँ पर अपने हाथ और पांव धो लेते हैं। तो गाइस यहाँ से मंदिर का मेन गेट आ गया है, तो गाइस हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम माथा टेकेंगे, दर्शन करेंगे माता जी का। सो गाइस मैं अंदर माथा टेक के आ चुका हूँ और यहाँ पर मेरे को चरणा में दिए गए पीने के लिए और प्रसाद प्रसाद। गाइस आप दिखा लो, ये है माता सोनी जी का मंदिर, सोनी देवी जी का मंदिर। आपको आपका घर दिख रहा है यहाँ से? वो है सामने, आपके घर से तो दिखता है ना मंदिर। हाँ। घर आपका नहीं दिख रहा है? दिख रहा है यही से। हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं और पीछे पीछे चल रहे हैं हमारे साथी जो हमारे साथ आए थे, साथी के साथी हाथी चले हुए हैं मेरे साथ, छोटे छोटे हाथी हैं छोटे छोटे। तो गाइस ऐसा है, हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, तो दोस्तों हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं, और दोस्तों मैं अपने दोस्तों के साथ गया था, दोस्तों और ये मेरे दोस्त हैं, दोस्तों ये देखो दोस्तों वहाँ पे ना बकरी भी है, वो देखो दोस्तों ये बकरी भी आ गई है दोस्तों, ये विशाल की बकरी है ना, ये साथ में लेके आया था। हाँ, ये विशाल की बिराजू बोलते हैं हम इसको, विशाल भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा न्यूट्रल चलेंगे और आगे से जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है, हाँ? आगे से कच्चा रास्ता है भाई, कुमार में आ रहे रोड। ओ भाई यहाँ से मुर्गा गया गाइस, मुर्गा आपने देख लिया होना। तो गाइस हम आए इस पक्के रास्ते से, जा रहे हम कच्चे रास्ते, ओ गाइस ये नहीं था पर सॉरी सर गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। कहाँ से था वो रास्ता यार, ये थोड़ा सा गाइस क्षमा करना, गाइस क्षमा करना, और गाइस ये है वो रास्ता और यहाँ से हम बाइक को करेंगे स्टार्ट। ये तो चलो गाइस ये हो गया ऑफ रोड, और हमें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है इस रास्ते में वो पता नहीं, और यहाँ से जाएगी सीधी बुरी तरीके से जाएगी गाइस, बुरे तरीके से, क्योंकि हम हैं और यहाँ पर अभी भाई को लग रहा है डर, इसलिए हम खिलाएंगे हॉली हॉली। ओ भाई साहब भाई आगे तो कुछ भयंकर है भाई, ओ भाई साहब भाई फर्स्ट गियर है भाई भाई पीछे से बाइक ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल अगले टायर पर खड़ी हो जाएगी, कैमरे में कम लगती है तो ट्राई ना, बट है ज़्यादा
भाई भाई ना, मैंने क्लच दबाया थोड़ा भी नहीं, मैंने पहले गियर में जान देता हूँ। और भाई यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पे सामने लिखा था पहले ही कि यहाँ पर गाड़ी, कृपया गाड़ी यहाँ खड़ी करें। और वो आ रहे हैं स्कूटी के ऊपर, स्कूटी का भी ऑफ रोड हो गया वैसे। ये और ठीक ढंग का नहीं चला यार, यार राम राम से चलना, मेरे को जान दो पहले। चलो 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 आ जाओ, आ जाओ भाई। ने पता क्या था, स्कूटी में बड़ी दिक्कत हुई होनी, यहाँ पे तालाब है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि स्कूटी में यार नीचे को उतराने में बहुत दिक्कत होती है, ब्रेक नहीं लगते। ऊपर से विनोद भाई जो है तो उनका थोड़ा वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है बट स्कूटरी में वो ज़्यादा है, तो ब्रेक नहीं लगती है जिसके कारण, वेट के कारण। और यहाँ पर आगे घर भी पड़ चुके हैं यार। इधर इधर रास्ता बंद आ, रास्ता बंद है नीचे जो आ, तो थल्ले जाना केड़ रोड जाना, रास्ता है थल्ले नीचे जो आए भी पहले गेट से थे उतराई में, और जाएंगे भी पहले गेट में कि दूसरा है, बट दूसरा बट हम पहला डाल देते हैं इधर। चलो भयंकर चल रही है भाई, जय श्री राम भोलेनाथ, बम बम बोले, चढ़ जाए बाइक। तो भाई हम अब रिस्क नहीं लेंगे, हम जाएंगे जहाँ से आए थे वहीं उसी रास्ते से जाएंगे अब हम। राजू भाई को डरा देते हैं थोड़ा सा, इनसे स्कूटरी खिंचवाते हैं, और ये भी खींचेंगे और मैं भी खींचूंगा। बड़े ठीक जो भले शॉर्टकट आ ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हम जा रहे हैं इस रास्ते से अब। तो गाइस ऐसा है कि वो निचली साइड से गए, जो नीचे को है सड़क पर, उनको थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा, हम थोड़ा सा शॉर्टकट है दोनों शॉर्टकट पर, हमारे वाला ज़्यादा शॉर्टकट है, और ये जो रास्ता है थोड़ा सा कच्चा बताया गया है, ये बरठी के लिए रास्ता। ओ भाई थोड़ा सा कच्चा था बट यहाँ पे तो यार पक्का आ गया, ये सीमेंट वाला रास्ता शुरू हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे एक भाई ऐसे पूछ लेते हैं कि ठीक जा रहे हैं हम, ऐसा नौकरी की पीछे हटना पड़े हमें। भाई बरठी वाला बरठी सीधा अगे तो क्या लेफ्ट जाना, अगे तो लेफ्ट जाने की लेफ्ट ठीक है। ओ भाई साहब ये कटाई भाई, मैं बता रहा हूँ ना कैमरे में नहीं लगता इतना अच्छा पता कि है, बट मोड़ भाई सच में भयंकर है। तो भाई यहाँ पे नंदी बैल महाराज जी हैं, तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रोड में, ये देखो सोनी देवी मंदिर का रास्ता ये भी जाता है एक, और हम इस रास्ते से जा रहे हैं। तो
यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ से खींचते हैं यार भाई, थोड़ी सी खींच देते हैं यहाँ से, कितनी जाती है लग जाएगा पता। अस्सी तो जाती है बट अभी जाएगी नहीं, मतलब 80-90 चली जाती है, पर यहाँ पर कितनी जाती है। मैंने कैमरे की तरफ नहीं देखा है, पत्नी कितनी गई होनी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बरठी में, और यहां से कर लेते हैं हम कट। जहाँ पर हम खींच देते हैं इसको बीच बाजार में, क्यों खींच रहे हैं हम, जो कि गलत है गाइस, बीच में नहीं। तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और राजू भाई ने कुछ अच्छा सा खिलाना है मेरे को। आज राजू भाई की पार्टी है, मेरी तो पार्टी होती रहती है, बट करेगा करेगा जो करेगा जिसको करेगा। और गाइस ये देखो, एक मोमो की प्लेट में खुश हो गए हैं, पनीर खिला लीजिए। राजू भाई अभी क्या मंगवाया आपने? मम्मी का लाडला। राजू अभी आपने क्या मंगवाया भाई? क्या मंगवाया आपने? सूप मंगवाया है। मैं सूप पिया है भाई, पिया है आपने पहले कभी? क्या है कौन सा सूप है? वेज नहीं, वेज तो है पर किस चीज का सूप है? फिर वो ना छोटे पत्ता गोभी पनीर खाया है कभी? पनीर तूने खाया है? मैं तो खिला रहा हूँ यार। के भाई कर दो बाय। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।